3000 के अंडर वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा में जो है काफी सारी शिकायतें थी मुझे, और ये शिकायतें पूरी कर दी शाओमी ने अपना शाओमी 360 सिक्योरिटी कैमरा 2i को लॉन्च करके, काफी सीक्रेटली लॉन्च करा है। लेकिन इसमें काफी कुछ मिलता है, सब बता दूं, रुक जा यार, आगे बताता हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले इसकी क्विक अनबॉक्सिंग देखते हैं। यहाँ पर इसका नाम लिखा है Xiaomi 360 होम सिक्योरिटी कैमरा 1080p 2i AI मोशन डिटेक्शन अलर्ट। तो इतना लंबा नाम है, बाकी इसके काम कैसे है वो आगे देखते हैं। हाई डेफिनेशन वीडियो लिखा है, इंफ्रारेड, नाइट विजन भी मिलता है, टॉक बैक का फीचर मिलता है जिसके थ्रू हम आपस में बात कर सकते हैं, उसमें स्पीकर मिलता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बाकी और बॉक्स पर कुछ नहीं लिखा, पीछे कुछ फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, फटाफट से इसको मैं खोल लेता हूँ। तो सबसे ऊपर रखा हुआ मिलेगा ये बॉक्स, इस बॉक्स को खोलते हैं और इसमें हमें मिलेगा चार्जर और इसको केबल मिलेगी, चार्जर नहीं पावर अडेप्टर बोलना सही रहेगा। तो यहाँ पर ये पावर अडेप्टर व्हाइट कलर का है और ये आई थिंक 10 वॉट का होना चाहिए और डेफिनेटली ये 10 वॉट का ही है। माइक्रो यूएसबी केबल मिलेगी इसको पावर करने के लिए, व्हाइट कलर की केबल है। लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, आई थिंक 2 मीटर या उससे ज़्यादा की इसकी लेंथ है और ये माइक्रो यूएसबी केबल है। और इसको माउंट करने के लिए कुछ स्क्रूज और इसके एक प्लास्टिक का सामान दे रखा है। इसका यूज़र गाइड दे रखा है जो कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब आता है। बॉक्स में से निकालते हैं तो फिर ये हमें मिलेगा एक बिल, ये यार Amazon का बिल था, ये मैंने अलग से रख दिया था निकाल कर। तो यहाँ पर दिखाऊँ तो इसके प्राइस जो है वो 2799 रुपीज़ की है, लेकिन ये सेल पर लिया था, इस प्राइस पर मिल गया, अदरवाइज़ आपको ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। बाकी रखा हुआ मिलेगा ये कैमरा, कैमरा को निकालता हूँ प्लास्टिक से, तो ये कुछ कुछ जो है इसका फर्स्ट जनरेशन जो था उसकी तरह लगता है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस रखा है। इसका बेस जो है वो थोड़ा राउंड राउंड सा मिलता है, तो ये कुछ इस तरह का हमें कैमरा दिखता है। इसका बेस दिखाऊँ तो यहाँ पर इस तरह का दिखेगा, स्कैन करके इसको कनेक्ट करना होगा, सेटअप वगैरह हम करके दिखाऊंगा। नीचे इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर हम इसमें SD कार्ड लगा सकते हैं और ऊपर यहाँ पर माइक के लिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ये माइक है और ऊपर एक LED इंडिकेटर है। इसमें ये कुछ ऐसा प्राइवेसी वाला सिस्टम नहीं है कि आप कैमरा नीचे कर दोगे तो कैमरा ऑफ हो जाएगा, ये हमेशा ओपन ही रहेगा। तो ये मुझे कमी लगी है रियलमी के कैमरे में, इस तरह से हम ढक सकते थे, शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो यार मेरी वीडियो देख लेना रियलमी कैमरे की। पीछे स्पीकर दे रखा है टॉक बैक फीचर के लिए, यहाँ पर आप बात कर सकते हो, जो भी आप अपने मोबाइल से कुछ बोलेंगे वो कैमरे के स्पीकर से आवाज़ आएगी और सामने वाले से आप बात कर सकते हैं। पीछे इसको पावर करने के लिए माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है। बाकी इसको वॉल पर माउंट करने के लिए यहाँ पर स्क्रू के लिए ये कुछ लॉक दे रखे हैं, इसको आप लगा सकते हो। बाकी आप इसको टेबल पर ऐसे रख कर भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसको सेटअप करके दिखाता हूँ, उसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पावर दे देता हूँ, उसके अडेप्टर से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया और आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा Xiaomi होम ऐप। तो ये मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया, तो बस इसके एप्लीकेशन पर हमें प्लस पर टैप करना होगा और ऐड डिवाइस पर करना होगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैन करके इसके नीचे जो QR कोड दे रखा है उसको भी स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया, सारी परमिशन मैंने दे रखी थी, जिस वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ इसने ऑटोमेटिकली पासवर्ड उसको एंटर करा दिया है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और ये हमारा कनेक्शन जो है शुरू हो चुका है। QR कोड स्कैन करने के लिए बोल रहा है, बाकी मैं इसके QR कोड को एक बार स्कैन कर लेता हूँ। कनेक्शन हमारा हो चुका है, मैं डन पर क्लिक करता हूँ और मैं अब इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप इसमें रूम वगैरह क्रिएट कर सकते हो कि कौन से रूम में ये, और इस तरह के ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हो। तो इसके ऐप के कुछ फीचर्स दिखाता हूँ और इसको टेस्ट करके देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने अपने कैमरे को खोल लिया है और यहाँ पर स्क्रीन दिखाऊँ तो कुछ इस तरह की दिख रही है। यहाँ पर कुछ फीचर्स दिखा रहा है और यहाँ पर इसका प्रीव्यू आप देख सकते हो। फुल स्क्रीन करना चाहते हो फुल स्क्रीन कर सकते हैं हम इसको, और ये फुल स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है। टैप करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, अप करना है, डाउन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, इस तरह से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। और इसका स्नैपशॉट लेना है, मतलब स्क्रीन शॉट टाइप बोल सकते हो, या फिर फोटो क्लिक करना है, वो हमारा सेव हो चुका है गैलरी में। और आपको रिकॉर्ड करना है इस टाइम जो आपकी लाइव चल रहा है फुटेज, उसको रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर लाइव आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। नीचे जो है माइक का बटन है, यहाँ पर इसको आप ऑन करेंगे तो टॉक बैक फीचर ऑन हो जाएगा और जो भी आप फ़ोन में बोलेंगे वो आपको यहाँ पर सुनाई देगा आपके कैमरे में। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो देखो मेरे माइक में आवाज़ आ रही है, तो ये कैमरे से मेरी आवाज़ जा रही थी। तो अगर आप इसको बाहर लगाते हो तो आप डायरेक्टली घर में बैठे अंदर से बोल सकते हो किसी से भी जो भी सामने खड़ा है। और बाकी आप इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हो प्रीव्यू की, कि आपको 1080p में देखना है, 360p में देखना है, या फिर ऑटो पे सेट करेंगे तो इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये आपको शो हो जाएगा। बाकी यहाँ पर स्पीकर मिलेगा तो बाहर जो भी साउंड होगी वो आप डायरेक्टली सुन सकते हो, अदरवाइज इसको म्यूट कर सकते हो। बैक जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर इसके कुछ और भी फीचर्स हैं जो मैंने दिखाए थे, माइक वगैरह के, स्नैपशॉट वगैरह के, वो सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर दे रखे हैं। लेकिन नीचे आपको तीन चीज़
एक्स्ट्रा मिलेगी। होम सर्विलांस को आप जैसे ऑन कर देंगे यहाँ पर आपके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऑन हो जाएंगे, जैसे कि ऑटोमेटिकली पर्सन को डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पर आपको नोटिफाई कर देगा और अलग से फुटेज का शॉर्टकट दिखा देगा। डेट वाइज आप चेक कर सकते हो, बाकी सेटिंग्स में आप इसको सेट कर सकते हो ये 24 आवर्स के लिए रखना है और अलार्म आपको भेजना है या फिर नहीं, और आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए या फिर नहीं, इस तरह की सेटिंग्स कुछ दे रखी है। प्लेबैक पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप कितने GB की स्टोरेज लगाएंगे तो कितने दिन तक की आप स्टोरेज सेव कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको सिर्फ 32 GB तक का सपोर्ट मिलता है तो आप 3 दिन तक की रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हो। तो 16 GB में आपको 36 आवर्स का सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी। तो इसमें आप 32 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो जो कि काफ़ी कम है। तो यार मतलब शर्म करनी चाहिए Xiaomi को, तो हम भी थोड़ी सी शर्म करेंगे, इसमें सिर्फ 4 GB का माइक्रो SD कार्ड लगाते हैं, देखते हैं वर्क करेगा या फिर नहीं 4 GB का। तो अभी SD कार्ड डाले हुए मुझे थोड़ा टाइम हो चुका है, इसने रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सेव कर लिया, तो आप पुरानी अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हो 3 दिन तक की अगर आपने 32 GB का SD कार्ड लगा रखा है। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स दिखाऊं तो जैसे कि यहाँ पर सारे कंट्रोल्स आपको वही मिल जाते हैं, बस यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल मिल जाएगा, कितनी स्पीड से आपको देखना है 16x तक आप देख सकते हो इसकी स्पीड बढ़ा करके क्या क्या आपके मोशंस हुए थे। बाकी यहाँ पर मोशन डिटेक्शन ऑन है तो यहाँ पर मोशन जो भी डिटेक्ट करा होगा यहाँ पर दिखा देगा, उसको टैप करके डायरेक्टली वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। स्टोरेज मैनेजमेंट पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कितनी स्टोरेज आपकी है और कितनी बची है, और यहाँ पर आप इसको जाकर और भी इसको सेटिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि स्टोरेज ऑन ऑफ भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप माइक्रो SD कार्ड में मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है फिलहाल तो आप ऑफ कर सकते हो। रिकॉर्डिंग मोड ऑलवेज रखेंगे तो हमेशा रिकॉर्ड होता रहेगा, और ओनली मोशन डिटेक्शन पर ऑन करेंगे तो जब जब मोशन डिटेक्ट होगा कुछ भी चेंजेस दिखेंगे वो तभी आपके माइक्रो SD कार्ड में सेव करेगा, तो इससे आपकी स्टोरेज सेव हो सकती है। चाहे तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, SD कार्ड को अनमाउंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर और कुछ खास फीचर्स दिखते नहीं है, 3 डॉट पर जाकर दिखाता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कैमरा सेटिंग दिखाऊं तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, डेटा यूजर्स वार्निंग वगैरह मिल जाएगी, स्टेटस लाइट को ऑन ऑफ करना है वो आप कर सकते हो, जैसे कि चेक कर सकते हो यहाँ पर ब्लू लाइट आपको दिखती है कैमरे में, इसको ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने इसको ऑफ करा तो यहाँ पर ही ऑफ हो जाएगा। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं जो कि आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, और यहाँ पर नाइट विजन की सेटिंग दे रखी है, आपको नॉर्मल रखना है या फिर इंफ्रारेड इमेजिंग को ऑन करना है वो आप कर सकते हो, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी या फिर आप इसको डायरेक्टली ऑन कर सकते हो। कैमरा को कैलिब्रेट करना है तो आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हो, ये फिर से 360 डिग्री रोटेट होगा और ये आपका कैलिब्रेट हो जाएगा। बाकी कैमरा सेटिंग में और चीज़ें दिखाऊं तो इमेज सेटिंग में जाता हूं तो यहां पर टाइम स्टैम्प जो आपकी रिकॉर्डिंग पर दिखाता है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लेंस डिस्टॉर्शन करेक्शन को अगर आप ऑन रखेंगे तो आपको थोड़ा कम फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा, क्योंकि ये फिश आई वाला इफेक्ट थोड़ा देगा, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा। डायनेमिक रेंज जो है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, यहाँ पर वॉश जो है वो कम होगी, पिक्चर्स आपकी रोटेट कर सकते हो, अगर आपने उल्टा माउंट कर रखा है तो आप इसको रोटेट कर सकते हो पिक्चर को इस तरह से, सीधा रखा है तो सीधा इसको छोड़ सकते हो। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सारे मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके सारी सेटिंग्स वगैरह दिखाकर। ऑटोमेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऑटोमेट कर सकते हो काफ़ी सारे फंक्शंस को। प्लस पर जाऊँगा तो यहाँ पर इफ़ है, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ कंडीशंस वगैरह है और इसका आप ऑटोमेशन ऑन कर सकते हो। फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, शेयर डिवाइस पर करके मल्टीपल अकाउंट के साथ आप इसकी फुटेज जो है शेयर कर सकते हो। तो अभी मैं इसके आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, इसकी जो फुटेज जो आप देख रहे हो इसके साउंड जो है वो भी इसी कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, और यहाँ पर कुछ लाइट्स वगैरह मेरी ऑन है। अब मैं लाइट्स ऑफ करके दिखा देता हूँ ताकि आप चेक कर सको कि इसमें इंफ्रा रेड में किस तरह की रिकॉर्डिंग मिलती है। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मैंने काफी सारी लाइट्स ऑफ कर दी है, और एक छोटी सी लाइट और है उसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर लगभग अंधेरा हो चुका है, एक छोटा सा बल्ब और ऑन है उसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और कुछ इस तरह की आपको लाइट्स दिख रही है। अब इसका इंफ्रारेड जो है वो ऑन हो चुका है और बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो किस तरह की आपको क्वालिटी मिल रही है।
तो अब इसके कॉन्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको सिर्फ 32 GB तक का माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलता है, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 64 GB का तो सपोर्ट देना चाहिए था, या फिर 128 GB तक का मिलता तो अच्छा रहता। बाकी और कोई मेजर मुझे इसमें कॉन नहीं लगा है, और स्टोरेज के यार और भी ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको प्रोस में बताता हूँ। तो प्रोस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 7 डेज का फ्री आपको क्लाउड स्टोरेज मिलता है, तो आपके क्लाउड पर जो है आपकी जो भी रिकॉर्डिंग है वो सेव होती रहेगी। तो अगर आपको कोई कैमरा उतार के भी ले जाता है तो आप अपना लॉगिन करके अकाउंट से चेक कर सकते हो फुटेज को। तो 7 डेज क्लाउड स्टोरेज काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसमें मिलता है, वो भी एकदम फ्री में, और बाकी इसको अपग्रेड करके आप इंक्रीज तो कर ही सकते हो। इसमें आपको नेस स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, आपने नेस लगा रखा है तो भी आपको स्टोरेज के लिए कोई इशू नहीं होगा, बड़े कितनी लंबी रिकॉर्डिंग आप स्टोर कर सकते हो। तो स्टोरेज के लिए दोनों चीज़ जो है काफ़ी कमाल के मिलते हैं, जो कि अक्सर इस प्राइस में हमें नहीं मिलता है बाकी सिक्योरिटी कैमरा में। बाकी इसको आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर में भी चेक कर सकते हो, एक टाइम पर 9 आप इसके शाओमी के सिक्योरिटी कैमरे के लाइव फुटेज चेक कर सकते हो, बाकी 100 कैमरास आप कनेक्ट कर सकते हो, तो मतलब लैपटॉप कंप्यूटर से भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। बाकी इसकी वीडियो क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, आराम से आपको काफ़ी क्रिस्प वीडियोस बनाकर देता है। और इसके लो लाइट के बारे में बात करूँ तो इंफ्रारेड जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, बिल्कुल अंधेरा आपको नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी ये रिकॉर्डिंग कर लेगा, तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो डेफिनेटली यार आप इसको परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। ये सिर्फ 2,999 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, लॉन्च प्राइस जो है इतना है, लेकिन अभी मैंने सेल में खरीदा था 2,799 रुपीज़ में, मतलब 2,500-3,000 के बीच में आपको ये आराम से मिल जाएगा, तो डेफिनेटली इस प्राइस में वर्थ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी मिलती है, मैं रियलमी का भी 360 सिक्योरिटी कैमरा यूज़ करता हूँ, उसके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर ये सिक्योरिटी कैमरा है, क्योंकि इससे पहले जो शाओमी का 360 सिक्योरिटी कैमरा था फर्स्ट जनरेशन वाला, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, काफ़ी सारे इश्यूज थे, मतलब काफ़ी सारी कमियां थी, जिसकी वजह से मैंने रियलमी को प्रेफर करा था। उसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन रियलमी में भी थोड़ी बहुत जो शिकायतें थी वो अब शाओमी ने इसमें पूरी कर दी, और उसके खुद के जो कैमरे में थी वो भी पूरी कर दी, मैंने ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। खैर इसके मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर 1,029 लाइक्स आ जाएंगे इसके एक मैं डिटेल में रिव्यू वीडियो या फिर टेस्टिंग वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और